नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पौड़ी में सरकार ने 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ब्लॉक मुख्यालयों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम निःशुल्क रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य सेवा पहुंचा रहे हैं। जैरीखाल ब्लॉक के ब्लॉक सभागार में मुख्य अतिथि विधायक दलीप महंत ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। आज़ादी के 75वें महोत्सव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से अब राज्य के ग्रामीण अंचल में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई है। हमने अभी ये प्रयास किया है कि ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाए प्रत्येक विकास क्रम में। ये सरकार की गंभीरता है स्वास्थ्य के प्रति, और हमने कोशिश किया कि सारी पीएससी में डॉक्टर दे रही है, और लगभग 80-90% अस्पतालों में हम डॉक्टर दे चुके हैं। कोविड से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुआ है, लेकिन अभी हमने सारे प्रयास किए, और अभी हम पैरामेडिकल ये जो कर्मचारी हैं उनको भी हम सभी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस शिविर के माध्यम से तमाम लोगों को सुविधाएं मिलेगी, चाहे स्मार्ट कार्ड की जानकारी होगी, चाहे उनको दवाइयाँ होंगी, चाहे उनका परीक्षण होगा, चाहे विकलांग शिविर का आवंटन होगा, इस सारी चीज़ों से उनको लाभ मिल सके, ये प्रयास हमारा है। शिविर लगाइए, अपने आप में सरकार का एक नया कार्यक्रम है। हमने पहली बार इस तरीके से शिविर लगते हुए देखा है। और दूसरा, जो ग्रामीण लोग हैं जो कि बार बार नहीं आ सकते या जिनको बाहर जाना पड़ता है, कोटद्वार जाना पड़ता है, कोटद्वार से यहाँ पर सड़ जाना है, तो उनको आज यहाँ पे एक कम से कम प्राथमिक की तो मिल जाएगी। अगर किसी को कोई रोग हो रहा हो, बड़ा रोग हो रहा हो, तो उसको जानकारी मिल सकती है कि हमारी इस तरीके से यहाँ पे आदमी आकर के दिखा ले, और विभागों के लोग भी आए हैं तो उनको लाभ मिलेगा उसका। मानते हैं कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए, हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने चाहिए, चीज़ें कैंप लगने चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, ये ब्लॉक स्तर में नहीं, ग्राम स्तर में भी इसको होना चाहिए, मेरा ये मानना है, पंचायत स्तर में भी होना चाहिए। बेसिकली 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जितनी भी सुविधाएं हम देते हैं सामान्य तौर पे, वो सारी सुविधाएं के अलावा विकलांग सर्टिफिकेट जहाँ पे कि आई सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ENT सर्जन, ये सभी लोग आए हैं जो जाँच करेंगे, और जाँच करके जो बीमारियाँ हैं उसका भी इलाज करेंगे। अगर वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। इसमें हम कोविड के वैक्सीनेशन भी लगा रहे हैं, जो भी बच्चे आएंगे उनको भी लगा रहे हैं, जो बड़े आएंगे साथ साथ जो ऊपर जो प्रिकॉशन डोज लगाना था उसको भी लगा रहे हैं, और ट्यूबरक्लोसिस जो कि हमारा लक्ष्य है 2024 में ख़त्म करना, उसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फिरोजाबाद में सड़क हादसा होने से बाल बाल बच गया, जहां सुबह मोहम्मदाबाद कट कैरेज 2 पर खड़े एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जोधपुर के दिनेशपुर थाने में लावारिस 13 वाहनों की SDM पुलिस क्षेत्राधिकारी और ARTO की मौजूदगी में नीलामी की गई, जहां अत्यधिक बोली अब्बास ट्रेडर्स के लाखेड़ा के नई मेहमद ने 1,15,640 रुपए बोली लगाकर वाहनों को खरीद लिया। बता दें कि 12 लोगों ने नीलामी में भाग लिया था, 3 कार और 10 बाइक की नीलामी की गई। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। आरोग्य मेले के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी ने फीता काटकर शुभारंभ किया, वहीं एक्सीडेंट में घायल PRD जवान से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। साथ ही CSC अधीक्षक को सही देखरेख और इलाज के निर्देश दिए। साथ ही सुरेश पासी ने प्रधान संघ के साथ ब्लॉक परिसर में भी बैठक कर क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिपाही को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जहां पत्नी और साले ने सिपाही को रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल सिपाही का 3 साल से एक छात्रा से अफेयर चल रहा था। बता दें कि सिपाही रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है। ये पूरा मामला मैनपुरी के शहर कोतवाली गोला बाजार का है।
एक सिपाही जो पुलिस लाइन में तैनात है और ये पिछले दिनों कुछ दिनों से इसके हस्बैंड वाइफ के बीच में विवाद चल रहा था और इसकी पत्नी और इसके बच्चे एक दिन कार्यालय में आए थे, जिसमें कि जांच सिविल लाइन्स के द्वारा की भी जा रही है करीब 10 दिन से। इसमें इसी बीच पता लगा है कि कोई एक लड़की इसके कमरे पर मिली थी, तो प्रथम दृष्टया ये दोषी मानते हुए इसको निलंबित कर दिया गया है और आगे जो है इसमें जो जाँच है उसमें फिर इसको सम्मिलित करके और इसके लड़की के घर वाले क्योंकि इसमें आ गए थे, उसकी पत्नी भी आ गई थी, तो उनकी जो भी तहरीर या जो भी इसमें कंप्लेंट्स होती है उसको फिर हम जांच में शामिल कर लेंगे। तो बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के खौबैराज गंगा नदी में नहाने गए एक युवक का शव मिला है। दरअसल युवक 3 दोस्तों के साथ 2 दिन पहले बैराज गंगा नदी में नहाने गया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और गोताखोरों ने युवक को बाहर निकालकर परिजनों को घटना की सूचना दी। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बांदे में भी बाबा के बुलडोजर का कहर अपराधियों पर चल रहा है। जहां नरेनी तहसील अंतर्गत के 2 गैंगस्टर के अपराधों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर मकान गिरा दिया गया। नरेनी थाना अंतर्गत सलीम पुत्र खैराती जो लहरेटा के निवासी हैं और जिया उद्दीन पुत्र अब्दुल वो भी लहरेटा के निवासी हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर ने मुकदमा दर्ज किया गया था। इनके द्वारा अवैध कब्जा करके सड़क की भूमि पर अवैध कब्जा करके नरेनी कर्तन मार्ग पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसकी जांच कराई गई थी। जांच में अवैध निर्माण पाया गया था, जिस पर कर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ढहाया गया और रोड के क्षेत्र को खाली करा दिया गया। बस्ती के डीएम सौम्या अग्रवाल ने बाटमाप और संभागीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम के औचक निरीक्षण से विभाग में हड़कंप मच गया। डीएम ने सबसे पहले बाटमाप कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही विभाग में साफ सफाई के निर्देश दिए। विभाग का एवं बाटमाप विभाग का निरीक्षण किया गया, इसमें कुछ कर्मचारी जो है अनुपस्थित पाए गए हैं, उनका वेतन रोका गया है और उनको चेतावनी निर्गत करी गई है। साथ के साथ कार्यालय साफ रखने की इनको हिदायत दी गई है। कार्यालय में बहुत गंदगी पाई गई। देवरिया के अवस्थी चौराहे के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बच्चों से भरा ऑटो पलट गया, जिसमें कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। हरदोई के मोहल्ला रेलवेगंज में एक मकान में भीषण आग लगी। आग लगने से 5 लाख की नकदी समेत 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण पेयजल आपूर्ति और वनाग्नि की रोकथाम की तैयारियों की जानकारी दी। बता दें कि मंडल आयुक्त ने कुमाऊं मंडल के जिलाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जानकारी दी है। तो नैनीताल में
गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर तमाम अधिकारियों ने एक बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कुमाऊं मंडल के जिलाधिकारी जितने भी हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि पानी के पीने की जो समस्या लगातार बनी हुई है उसकी आपूर्ति जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जंगलों में जो आग लग रही है उसकी भी रोकथाम की तमाम तैयारियां हो जानी चाहिए। पीलीभीत में ट्रक और डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने डीसीएम को टक्कर मार दी। मौके पर ही डीसीएम चालक की मौत हो गई। दरअसल शादी से दहेज का सामान भरकर डीसीएम से ले जाया जा रहा था। रायबरेली में तेज धूप और भीषण गर्मी से बिल्डिंग में काम कर रहा मजदूर चक्कर खाकर गिर गया, जिसके बाद साथी मजदूरों ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र उसे भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के अपराध को लेकर सरकार द्वारा महिला जागरूक अभियान चलाया गया, जहां यूपी के सहारनपुर में भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा जागरूक अभियान जारी है। आज जो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, परिवार के उत्पीड़न, महिलाओं के उनके उद्देश्य से ही देखने के लिए आना हुआ। स्वास्थ्य मेले लगे हुए थे, उनमें निरीक्षण किया और कस्तूरबा स्कूल या बंदी गृह में जाने की सोच रहे हैं अभी। और जितनी भी अभी महिलाएं हैं सहारनपुर में, बुलू आया है, कोई महिला पीड़ित है, कोई घर छोटे हुए है, किसी के साथ में डाइवोर्स हो गया है, धोखे से छोड़ दी गई है महिलाएं, तो महिलाओं की समस्या सुनने के लिए आज आए हैं। बाराबंकी में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नरों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विधिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए गलत तथ्यों साक्ष्यों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। ऋषिकेश में भूमाफियाओं और बिल्डरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। विस्थापित कॉलोनी के बाद अब भूमाफियाओं ने खसा नंबर 7279 भरत विहार स्थित एक सरकारी विवादित भूमि पर अवैध निर्माण कराना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी प्रशासन के पास पहुंची तो हरकत में आए एसडीएम ने तत्काल जांच कराई। बता दें कि राजस्व अभिलेखों में विधिवत भूमि जिलाधिकारी के नाम दर्ज है, जिस पर 7 लोगों के द्वारा अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में अवैध तरीके से संचालित नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन ने व्यापक अभियान छेड़ रखा है। इसी अभियान के तहत शोहरतगढ़ में उप जिलाधिकारी उत्कर्ष श्रीवास्तव की अगुवाई में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 3 अस्पतालों को अवैध मानते हुए सीज कर दिया गया और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। उप जिलाधिकारी महोदय, साथ में क्षेत्राधिकारी महोदय, सारे लोग थे। हम लोगों ने उस हॉस्पिटल को जब अतिथि को देखा, उसमें एक्सरे कक्ष में कोई लैब एक्सरे टेक्नीशियन नहीं पाया गया, साथ में कोई भी दस्तावेज संबंधित नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक हॉस्पिटल रमापुर तिवारी में ममता हॉस्पिटल है, वहाँ पे की कोई दस्तावेज वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं मिला। फरुखाबाद मोहम्मदाबाद कायमगंज में बुधवार को सगाई के कार्यक्रम में अचानक तमंचे से हर्ष फायरिंग करने के दौरान मासूम बच्चे को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर सीएम मोहम्मदाबाद राजीव कौर कोतवाल
दिलीप कुमार बैंत मदनपुर चौकी इंचार्ज अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी में भूमाफियाओं गुंडे माफियाओं के साथ साथ सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों पर योगी सरकार का बुलडोजर तेजी से चल रहा है। तो वहीं सुल्तानपुर में योगी सरकार में चुने गए बीजेपी विधायक पर नगर पालिका परिषद की 50 बीघा जमीन पर कब्जा कर अवैध स्कूल बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आज पालिका अध्यक्ष दत्ता जयपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की बैठक आहूत की गई थी 11 बजे से पालिका के सभा कक्ष में, लेकिन कोरम के अभाव में पालिका अध्यक्ष ने बैठक अग्रिम तिथियों तक स्थगित कर दी है। कारण क्या रहा? भाजपा के विधायक विनोद सिंह द्वारा और सांसद प्रतिनिधि रंजीत सिंह द्वारा सभासदों को बैठक में आने से रोका गया। विनोद सिंह विधायक द्वारा कई सभासदों को बैठक में न आने के लिए धमकाया भी गया कि बैठक में न जाएं। पार्टी अध्यक्ष भी भाजपा के ही हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, तो ये अंतरकलह का कारण क्या रहा? अंतरकलह नहीं है, पार्टी अध्यक्ष के द्वारा कोई अवरोध नहीं है। विनोद सिंह की फितरत है, ये मूल भाजपा ही नहीं है, ये जिस दल से आए हैं उसका कल्चर साथ में लेके आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।